समय आ गया है कि हम हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है उसको एक विचारधारा को इकट्ठा करके उस पर हम पूरे भारत के सारी संगठनों को इकट्ठा करें और एक साथ मिलकर हम एक पुणे को खोदें, बहुत सा परिवर्तन आ जाएगा। हमारे लोग हैं SC ST OBC के लोग, सम्राट अशोक विजयदशमी के दिन घर से बाहर निकले, 10 करोड़ से ज्यादा हम लोग को पूरे भारत में एक साथ शामिल करना है। उनको एक ही हमारा नारा है कि हमारा वोट अपनों को, हमारा नोट अपनों को। जिस दिन हमारा ये बुद्ध धम्म संघ को मैं वंदन करता हूं, आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो त्रिरत्न हैं, हमारे भंते जी, हमारे भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी, हमारे डॉक्टर उदित राज जी, ये तीनों इस कार्यक्रम के रत्न को मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं। इन तीनों को मैं इसके लिए विशेषतः धन्यवाद देता हूं कि आदरणीय भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर, हालांकि यहां उत्तर भारत में बड़ा कंफ्यूज होता है, अरे भीमराव कौन भीमराव, क्योंकि बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद में आप पैदा हुए तो लोगों ने बाबा साहब के नाम पे इनका नाम रख दिया था। पूरे परिवार को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बाबा साहब की जो मान मर्यादा है, आज भी ये पूरा परिवार उस मान मर्यादा पर समर्पित है। अगर थोड़ी सी कहीं कुछ बिकने की गुंजाइश होती तो अब तक कहीं कितने कैबिनेट मंत्री कहां कहां कैसे कैसे हो जाते हैं। इसीलिए हमने डॉक्टर उदित राज से निवेदन किया, बोला इस देश की दो कैपिटल है, आप दिल्ली में हो और आदरणीय भीमराव जी मुंबई में हैं। हम चाहते हैं कि ये दो महाशक्तियां एक साथ इकट्ठी हो। मैंने आग्रह किया, पंचसंघ लगभग 20 से 22 स्टेट में है, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से मैं खुद जुड़ा हुआ हूं, आदरणीय भीमराव जी मुझे राष्ट्रीय संयोजक बनाया है, पूरे भारत में एक बहुत बड़ी संगठना है। समता सैनिक दल भी एक बहुत बड़ी संगठना है। बीच में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसमें कुछ विवाद चले थे, मैं ज्यादा समय उस पर नहीं लूंगा। पारिवारिक जो घटनाएं रही हैं बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद में, किस तरह से इस परिवार को लोगों ने कैसे उच्छिन्न किया था, सत्ता के दलाल जो इनके साथ में थे ही, लेकिन उस वक्त में कुछ साथी भी थे जो उस परिवार को उन्होंने खत्म करने की कोशिश किया था। माता जी जो थी बड़ी मुश्किल से अपने चारों बच्चों को किस तरह से कैसे उठाई है, ये बड़ी घटनाएं हैं परिवार की, बड़ी तकलीफ की बातें। आज भी शासन प्रशासन की पूरी निगाह इनके ऊपर पड़ी रहती है। तीन भाई में से एक बहन है जो एक बहुत ही बड़े विचारवंत आनंद तेलतुंबड़े, उनको भी सरकार ने क्या किया शायद लोगों को नहीं मालूम है। साथियों, मैंने ये नक्की किया ये दोनों इकट्ठे हों। यह भी मैंने आदरणीय प्रकाश जी से, भीमराव अम्बेडकर से मैंने निवेदन किया कि संविधान खतरे में है, अब एक बार फिर से नेहरू गांधी परिवार, अम्बेडकर परिवार, मैं परिवारवाद की बात नहीं करता हूं, विचार की बात करता हूं। नेहरू भी, उनकी मैं कई पुस्तकों को पढ़ा हूं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया से लेकर उन्होंने जो ढकोसलाबाद भगवान बुद्ध को उन्होंने माना, लगभग इसी दिल्ली में ही अशोका मिशन जगह उस जमाने में उन्होंने दिया है। हमारे कई बार, हम 10-15 साल से उस मिशन में कार्यक्रम करते आए हैं। भगवान बुद्ध के परम शिष्य आनंद के नाम से उन्होंने अपने घर को आनंद रख दिया। तो ये फिर से ये जो अम्बेडकर परिवार है और नेहरू परिवार है, गांधी परिवार है, इस देश को, संविधान को बचाने के लिए एक बार इकट्ठा होना चाहिए। इसके लिए हमने डॉक्टर उदित राज से निवेदन किया। डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ चर्चाएं होनी चाहिए, कुछ रास्ता होना चाहिए, क्योंकि आज का जो विषय बिंदु है, जो ये 6-8 बातें आपके सामने हैं। साथियों, मैं इन आठ बातों को मैं कुछ सेकंड बताऊंगा। मैं हमारे यहां महाराष्ट्र में
एक विक्रम वेताली कथा है कि रोटी का करपली, घोड़ा का आड़ा, पान का सरडा या तीन प्रश्नांच उत्तर तुम्ही एकच वेळी द्या, एकच मध्ये। मतलब रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा और घोड़ा क्यों अड़ा, ये तीनों सवाल का उत्तर आप एक ही लाइन में उत्तर दो, पलटा नहीं, फिराया नहीं। तो हमारे डॉक्टर उदित राज जी के जो ये 8 सवाल हैं, मैं बोलता हूं 1800 सवाल हैं इस देश में, इस सारे 8 सवालों का एक ही उत्तर है, यहाँ के 1800 सवालों का एक ही उत्तर है, वह है मनवादी व्यवस्था। आप मनवादी व्यवस्था को जमीन में गाड़ दो, सारे प्रश्नों का निवारण हो जाएगा। अब कैसे गाड़ना है, मैंने चर्चा किया, ये सम्राट अशोक का भारत हो, जैसे अशोक अकबर अम्बेडकर का भारत हो। हमारे भंते जी 10,000 किलोमीटर की धम्म यात्रा जो हम लोग निकले थे, पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश है। तो हम चाहते हैं कि पूरे भारत में हम लोग सम्राट अशोक की एक धम्म यात्रा, अशोक अकबर अम्बेडकर की एक धम्म यात्रा पूरे देश में निकालें, या अशोक का भारत है एक पाखंडियों के खिलाफ में। और अभी गुजरात में भी एक कार्यक्रम करना है, पटना में भी एक कार्यक्रम करना है। हमारे भंते जी ने जो संकल्प लिया है, लखनऊ में माननीय काशीराम जी की जो स्मृति दिन है, उस दिन उस पूरे के पूरे काशीराम पार्क को भरना है। हमको इकट्ठा होना है। हम एक कहानी अक्सर चर्चा करते हैं, हमारे भंते जी चर्चा करते हैं, भगवान बुद्ध के 10 गणराज्य और 16 महाजनपद में, एक महाजनपद में बहुत भयंकर अकाल पड़ी। तथागत बुद्ध ने कहा कि जाओ भिक्षु संघ देखो। वहां गए, जाने के बाद रिपोर्ट उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा गांव वहां पानी के अभाव में, दुष्काल में मर गया है। तथागत ने कारण पूछा, उन्होंने कहा कि सारे के सारे गांव के लोग अपने अपने घरों में अलग अलग, उन्होंने बावड़ी कुआं पानी का जो स्रोत है अलग अलग उन्होंने खोदने की कोशिश की। उस अलग अलग खोदने की कोशिश में पानी तो नहीं मिला, सारे के सारे लोग मारे गए। तब उन्होंने कहा कि अगर पूरे उस गांव के लोग मिलकर एक दो बावड़ी को, कुएं को एक साथ खोदते सारे लोग मिल करके, तो पानी मिलता तो आज पूरा गांव जीवंत रहता। साथियों, हमारे इस देश में लोग अलग अलग ढंग से कुएं खोद रहे हैं, सब अलग अलग ढंग से संगठना बना रहे हैं, सब अलग अलग ढंग से पार्टियां बना रहे हैं, लोग अपने अपने ढंग से कर रहे हैं, ठीक है बना हुआ। लेकिन अभी समय आ गया है कि हम हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है उसको, एक विचारधारा को इकट्ठा करके उस पर हम पूरे भारत के सारी संगठनों को इकट्ठा करें और एक साथ मिलकर हम एक कुएं को खोदें, ये बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आदरणीय भीमराव जी की अध्यक्षता में मैं लगभग पूरे देश में ऐसे सैकड़ों बुद्ध विहार हैं जिसका मैं पेट्रॉन संस्था में हूं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने मुझे आपने राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्य सुधर समाज बनाया था, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। अभी आपकी इसी दिल्ली में ही हमने लाड बुद्धा कंपनी, जो BBI बुद्धा बैंक ऑफ इंडिया की, जो हम स्थापना हमारी हो चुकी है। 2020 में हमने पूरे देश के 20 लोगों की, स्टेट के लोगों ने, आदरणीय भीमराव जी की सदस्यता में हम लोग इकट्ठे हुए, हमने 5 सूत्री कार्यक्रम पर काम करना शुरू कर दिया है। 5 सूत्री कार्यक्रम आने वाले 2024-25 पूरे देश में जितने भी हमारे लोग हैं, SC ST OBC के लोग, सम्राट अशोक विजयादशमी के दिन घर से बाहर निकले, 10 करोड़ से ज्यादा हम लोगों को पूरे भारत में एक साथ सामूहिक दीक्षा लेना है। ये हम लोगों ने प्रतिज्ञा लिया है और होगा। दिल्ली है रामलीला मैदान में, मुंबई है अम्बेडकर मैदान में, पटना है गांधी मैदान में, इरोड मैदान में, गुजरात नौलखिया, पूरे भारत के जितने मैदान हैं, अपने अपने घरों से निकले और हम अपना एक परिचय दें। दूसरी बातें जो निजीकरण की बातें यहां पर हो रही है, करें निजीकरण। दोस्तों, हमको एक ही हमारा नारा है कि हमारा वोट अपनों को, हमारा नोट अपनों को।
जिस दिन हमारा ये 90% समाज 85% समाज हमारा SC ST OBC मुस्लिम समाज इकट्ठा हो जाएगा, वो हमारे अपने नोट को देखे कि हमारा रिक्शा वाला कौन है, ये हमारा दुकान वाला कौन है, ये हमारा चाय वाला कौन है। जिस दिन पूरे देश में एक क्रांति शुरू कर देंगे, हमारे नोट अपनों को, हमारा वोट अपनों को एक बड़ी क्रांति आ जाएगी। तीसरा, हम लोगों ने वहां कार्यक्रम शुरू किया है पूरे भारत में, हमारे खुद के मॉल होने चाहिए। वाराणसी में बाबा साहब के नाम पे भीम मार्ट शुरू हो गया है। हमारे डॉक्टर उदित राज का जो क्षेत्र है, हमारे डॉक्टर उदित राज अलाहाबाद वहां मूल निवासी मार्ट, इस तरह से सम्राट अशोक मार्ट, बाबा साहब मार्ट, हमारे अपने अपने लोग इकट्ठे हो जाएं और हमारी अपनी दुकानें बनाएं। और तीसरी बात ये, हमारे बहुजन समाज के लोग अब आपस में रोटी बेटी का व्यवहार शुरू करें। इस मुद्दे पर भी हम लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं और पूरे भारत में जितनी भी हमारी संस्थान है, मैं बोलता हूं हम सबसे अमीर लोग हैं। बाबा साहब के पूरे भारत में जितने भी उद्यान हैं, जितने भी चैत्य हैं, जितने भी विहार हैं, जितने भी लाइब्रेरीज हैं, जितने स्थान हैं, सारी चीजों को हम जनगणना करके उसकी कीमत लगा देंगे तो टाटा बिरला अडानी अंबानी फेल हो जाएंगे। हम बहुत पैसे वाले हैं, हम लोग अपनी ये हाथ से सारा काम करते हैं। तो इस तरह से ये 5 सूत्री कार्यक्रम हमको इस पे करना है, इस पे हम निकल चुके हैं। और मैं चाहता हूं कि आप आदरणीय ओम खुदा जी, और दूसरी एक बात है कि हमारे बीच बैठे हुए हैं हमारे कैप्टन साहब जो ताजमहल के काले पत्थर हैं और छुट्टी वो अपने बच्चों में नहीं बिताते हैं, मैं उनका पूरा परिचय नहीं दूंगा, कुछ कारण है लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान है और इतिहास उनको याद रखेगा। धन्यवाद। जय हिंद महोदय।